हाय मैम, आपका गुड नेम? आई एम दीपाली अग्रवाल फ्रॉम जयपुर। ओके, आज मैम 16 जुलाई को हम आपसे मिल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि आप ऑर्गेनिक वेलनेस जो है प्रोडक्ट्स, आपको कहाँ से स्ट्राइक हुए, या आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक वेलनेस के प्रोडक्ट्स जो हैं कहाँ पे देखे, या कैसे आप की जर्नी स्टार्ट हुई? एक्चुअली इट्स अ वेरी फॉर्चून स्टोरी। In this February, I just met to Mr. Kishan Gupta, and that was a very fortunate day. और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो एज जैसे मैं बहुत आयुर्वेदा के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, एंड सिंस फ्रॉम बिगनिंग मैं आयुर्वेदा के बहुत सारे प्रोडक्ट, आई जस्ट वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द कंपनीज, बट मल्टीपल कंपनीज भी यूज कर चुकी हूँ। इवन जो हमारे लोकल आयुर्वेदाचार्य हैं उनसे भी मेरा अच्छा कनेक्शन है, उनकी भी मैं बहुत लंबे टाइम से मेडिसिन ले रही थी। When I met to Mr. Kishan Gupta, उन्होंने मेरे से ये कहा कि एक बार मैम आप जो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एक बार ट्राई करके देखें, and something strikes to me. तो मेरे मन में ये बात है कि ठीक है, मैं अभी सब बंद करके I just start to order. Okay. Wellness word मुझे बहुत अपीलिंग लगा तो मैं उसके साथ में फिर आ गई। कुछ चीजें थी जो उन्होंने मुझे काफी सारे प्रोडक्ट्स बताए थे, तो मैंने अपना आयुर्वेद का ज्ञान और जो मैं पहले प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी थी, इवन मैंने डॉक्टर से जैसे कई चीजों में अपना डायग्नोस भी करा रखा है, तो मैं अक्सर क्या करती थी कि डायग्नोस कराने के बाद मैं डिसीजन अपना ही लेती थी क्योंकि मुझे हर्बल ही जाना था। ग्रेट मैम, तो इसलिए मैंने फिर क्या करा कि जो भी रेंज था वहां का मैंने कम्प्लीट किट लिया एक बार। ओके, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं किसी चीज को टेस्ट करना चाहती हूँ तो जब तक मैं मल्टीपल किट को अपने में नहीं लूंगी तब तक मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं करूंगी। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। तो मैंने क्या करा, कंपनी के साथ में और उन पे विश्वास करके मैंने एक अच्छा किट खरीदा। ओके, उस किट के अंदर जो मैंने फिर बाद में उसको पूरा रीड आउट किया और लिटरेचर, थैंक यू टू मिस्टर गुप्ता कि उन्होंने मुझे लिटरेचर पूरा भेजा। हाँ जी, मैंने उसको रीड आउट किया, अकॉर्डिंग टू मी मैंने कस्टमाइज करके कुछ एक अपने कॉम्बिनेशन बनाए। ग्रेट मैम, तो उसके बाद में मैम, जैसा कि आज आप ऑर्गेनिक वेलनेस के कस्टमर से और ऑर्गेनिक वेलनेस के चैनल पार्टनर बन रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंग्रेचुलेशंस मैम। एंड ये आपके माइंड में कैसे आया कि आप कस्टमर से और चैनल पार्टनर बन रहे हैं, स्टोर ओपन कर रहे हैं जयपुर में? देखिए, अभी जैसे मैंने बताया फरवरी से मैं ऐड हुई हूं। ओके, फरवरी से लेकर के नाउ वी आर सिटिंग ऑन जुलाई। यस मैम, जर्नी बहुत लंबा नहीं है, इट्स जस्ट ओवर द 4.5 इवन लॉकडाउन पीरियड में। हां नहीं, 4.5 मंथ की जर्नी है, लेकिन ये जर्नी मेरे लिए जो थी ना, ये मेरे ख्याल से 9-10 मंथ्स की जर्नी हो गई। ओके, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर सिचुएशन ये लॉकडाउन, आप घर में बैठे हैं, हां जी, अच्छा खा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वैरायटी खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, प्लस बहुत वैरायटी फूड बन रहा है, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, वॉकिंग नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है बट उतना नहीं हो पाती है। इन दैट केस जब मुझे इस प्रोडक्ट ने इतना बेनिफिट दिया कि मैंने अपना वेट रिड्यूस किया। ग्रेट मैम, इवन मेरे को एनर्जी डेवलप हुई, मेरे को लगने लगा कि जो प्रॉब्लम्स मुझे पहले इमर्ज हो रही थी जब मैं वॉक भी कर रही थी, मैं एक्सरसाइज भी कर रही थी, मैं डेली अपने वर्क पर जा रही थी, मैं बहुत एंथुसियास्टिक थी, मैं डांस भी करती हूँ, और प्लस मैंने बहुत सारे मेडिसिन वगैरह पहले लिए, अपने आप को लो फैट में भी खाना खाती हूँ, बट मेरे को मजा नहीं आ रहा था। लेकिन अभी मैं आपको रियली में बताना चाहूंगी कि जैसे हमारा ये टीम का जो सेट था, okay. जैसे मेरे को फाइब्रोमायलेजिया है, mm-hmm. और मेरे को थोड़ा सा बॉडी में एक का प्रॉब्लम है, mm-hmm. और अभी सिंस अक्टूबर से मुझे थोड़ा नी में प्रॉब्लम हुआ था। okay. तो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया और उनका बहुत अच्छा सजेशन था, mm-hmm. उन्होंने मुझे मल्टीपल विटामिन के हिसाब से दे दिया, शेल्कल एक्स टी दिया उन्होंने मुझे, और मैंने आयुर्वेद के हिसाब से भी काफी चीजें इंक्लूड करी, बट समथिंग लाइक दैट की दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, वो फीलिंग मुझे हमेशा रही कि मुझे मजा नहीं आ रहा। ओके, मैं एक बार को सोचने लगी थी कि हो सकता है उम्र का जो इफेक्ट है ना वो आने वाला है, तो वो चीज मुझे थोड़ी सी कर रही थी, लेकिन बाद में जब मैंने किया तो ये जो मोरिंगा है, ये है अपना एक हर्बल है और जॉइंट फिट, ये तीन बॉटल्स मैंने मेरी टर्मरिक एंड टर्मरिक सी, ये तीन बॉटल्स जो है टर्मरिक सी प्लस, वो तीन और चार बॉटल्स जो है, ये तीन बॉटल्स तो मैंने मेरी अलग कैबिनेट में रख दी, हाँ। कि ये तो मेरे को बिल्कुल डर नहीं है, और जो टर्मरिक सी है वो टर्मरिक सी प्लस जो है वो मैंने अपने लिए चाय डेली
गर्म पानी में डाल करके आई यूज टू लेता है। नहीं, टर्मरिक सी का कैप्सूल आप किस तरह? कैप्सूल कैप्सूल जो है वो डेली मैं अपने पास रखती हूँ, जो उसको मैं गर्म पानी में डाल करके डेली लेती हूँ, दो कैप्सूल। कैप्सूल ही डालते हैं या खोल के उसको? खोल के उसका कैप्सूल डाल देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस समय ये था कोविड के चक्कर में सब लोग कह रहे गर्म पानी हॉट वाटर लेना चाहिए, तो मेरे को लगा कि ये ठीक है कि ये तीन टेबलेट फॉर्म में ली जाए और एक जो है वो हॉट वाटर के साथ रहता है, तो अच्छा खासा हॉट वाटर जब रहता है तो मुझे बहुत सूदिंग लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके ओके। प्लस उसके बाद मुझे लगा कि मेरे को दो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में एक होता है तो गैस्ट्रिक तो होता ही है, साथ में स्टमक अपसेट होता है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी इम्यूनिटी जो वाइटल एनर्जी है उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसके लिए मैंने त्रिकुटू और त्रिफला, जैसे हम लोग जनरली नहीं होता, जैसे हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं कई बार कि हमको एंटासिड लेना है या फिर हमको एक प्री टैबलेट लेनी है खाना खाने से पहले, बिफोर द मील डॉक्टर जनरली हमको देते हैं, तो मैंने उस मेडिसिन की जगह आई हैव ऑप्टेड त्रिफला। ग्रेट मैम, मैं तो सबको यही कहूंगी कि आप बिफोर द मील यदि आप खाना खाने से एक घंटा पहले अगर त्रिफला लेते हैं, जो मैं कर रही हूँ, मुझे अमेजिंग इफेक्ट मिले इसके। ओके। और उसके साथ ही मैंने आंवला ऐड किया, आंवला सी प्लस अपना ऐड किया और अपनी वेलनेस का, और रात को त्रिकुटू, और जस्ट खाना खाते ही त्रिकुटू एंड रात को सोते समय डिटॉक्स। ये इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट है कि डिटॉक्स के साथ में मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मॉर्निंग में मुझे कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर मान लो मुझे लंबा कहीं जाना है, या जैसे अभी जैसे लॉकडाउन के टाइम पे है कि भी हम लोग बाहर के अपन टॉयलेट वगैरह नहीं यूज करते हैं, बट मुझे डिटॉक्स लेने के बाद मुझे लगा कि आई डोंट नीड इट, व्हेन आई एम एट होम आई एम क्लियर, सो आई डोंट नीड इट फ्रॉम द आउटसाइड। ग्रेट, सो दैट्स द ग्रेट थिंग टू द डिटॉक्स, एंड थैंक यू ऑर्गेनिक वेलनेस फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग प्रोडक्ट्स। इसीलिए मुझे प्रोवो किया कि भाई आप जो है वो चैनल पार्टनर, आपके माइंड में आया कि क्यों ना जो चीज से बेनिफिट हम खुद ले रहे हैं, इतना बेनिफिट हो रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही हूं उनको बेनिफिट हो रहा है, तो फिर वो चीज कम्युनिटी में क्यों नहीं लेकर आए यहाँ पर? बिल्कुल, क्योंकि इट्स वेरी गुड, इट्स लोकल टू वोकल, 100% ऑथेंटिक चीज, और फिर वो चीज जो आपको खुद को बहुत बेनिफिट देती है ना, तो आप जब कहते हो तो सच्चाई निकल के आती है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे को लगा कि जो ट्रूनेस मेरे में अंदर आ रही है वो ट्रूनेस जो है वो मैं कम्युनिटी में स्प्रेड करूँ, तो इट विल बी अ ग्रेट जॉब। एक बात और मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे कि अपना जो ऑर्गेनिक का जो घी है, मेरे पास लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ था कि जैसे अभी आपको सबको बताया अपने को ओरल हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मेरे को ऊपर की तरफ आलू जो है वो अपना जो गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो मेरे को ऊपर चिपक गया था उसमें अंदर, हो गया मजे मजे में पकौड़े खाते थे एकदम, वो बहुत ज्यादा हो गया। और लॉकडाउन के अंदर सब जगह ये हुआ कि भी अभी आप डेंटिस्ट वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो मैंने मतलब लिटरली फोटोग्राफ खींच करके मैंने देखा तो मेरा पैच ऊपर वाला काफी बड़ा हो गया था और काफी बुरी हालत थी पैच की। लेकिन फिर मेरे को मैंने गूगल किया और गूगल के अंदर उन्होंने बताया कि आप गाय का अगर प्योर घी है तो आप इसका रेमेडी कर सकते हैं, तो बस ऑर्गेनिक वेलनेस का किट मेरे पास था, तो बस मैंने तो कहा चलो ठीक है ये सबसे बढ़िया टाइम है इसको अजमाने का, तो मैंने घी निकाला और विद इन 5 days यू वोंट बिलीव कि मेरा पैच जो था वो अपनी जगह से बिल्कुल ड्राई हो गया। ग्रेट मैम। और विद इन 3 days आई स्टार्टेड ईटिंग स्पाइसेस। ग्रेट ग्रेट। और ये मेरा इतना अमेजिंग है वो है, मुझे खुद को लगने लगा कि वाकई में अगर हमारी अगर आयुर्वेद पे हम विश्वास करें तो जो कहते हैं गाय का देसी घी, तो देसी गाय का घी, देसी घी नहीं देसी गाय का घी, ये डिफरेंस है बहुत का। हाँ, जैसे मैम जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कि गाय का देसी घी खाएं, तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप घी खाएं बट देसी घी ना खाएं, देसी गाय का घी खाएं। बहुत बढ़िया बात बोली मैम आपको, तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये लास्ट में कुछ शायद टी भी रखा। हाँ, दिस इज अमेजिंग। मैं एक्चुअली मिस्टर कृष्ण गुप्ता को थैंक यू करने के लिए गए थे, अपने स्टोर की बात करने के लिए गए थे, तो आई टोल्ड हिम कि सब कुछ बहुत गरम गरम है और अब कोरोना में तो हालत बहुत बुरी है, तो इस साल तो ना तो आइसक्रीम खाया है ना कुछ ठंडा पिया है, तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज, तो उन्होंने मुझे तुलसी रोज टी जो थी वो गए और अमेजिंग टेस्ट, बहुत ही मजेदार लगा पी करके, लगा एक सूदिंग है, बिल्कुल मूड जो मूड स्विंग्स जो है जिन लोगों को होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, और जैसे हम लोग जर्नी करके काफी लंबा आए तो बहुत ही अच्छे अमेजिंग करते हैं। मतलब ओवरऑल आपका, आप क्या अपने व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, क्या फीडबैक है आपका इसके बारे में? देखिए मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया, मेरी हेल्थ इश्यूज के साथ में जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने आपको शेयर किए, बट मैं एक चीज सभी से कहना चाहूंगी, किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करें लेकिन उससे पहले हमें उसे एक बार यूज करना होता है,
और यूज करने के लिए यह है कि अगर हम लिमिटेड रेंज को यूज करेंगे तो हम कभी भी जजमेंटल नहीं ले पाएंगे. सो डोंट बी जजमेंटल, आप एक बार ऑर्गेनिक वेलनेस को यूज करें और वाकई में तब आप देखेंगे कि चीजें जो है वो वाकई में ऐसी हैं जो कि हम आगे तक यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइन में यूज कर सकते हैं. बिल्कुल. वैसे मार्केट में मैम ऑर्गेनिक वेलनेस के अलावा ऑर्गेनिक के और भी बहुत सारे ब्रांड्स चल रहे हैं, तो आपको ऑर्गेनिक वेलनेस में ही क्यों इतना, क्या आपने मतलब आपकी इसमें क्या सोच रहेगी कि अदर ब्रांड्स भी बहुत सारे. मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने आयुर्वेद के बहुत सारे ब्रांड्स भी यूज कर चुकी हूँ. मैं फ्रॉम सिंस व्हेन आई वाज इन द एज ऑफ 10, मैं तब से मेरे फादर ने जो मुझे आयुर्वेद का ज्ञान देना शुरू किया था तब से, मतलब शायद ही कोई बच्चा जो है वो 10 ईयर्स की एज में जानता होगा कि ब्रह्मी किसे कहते हैं, अश्वगंधा किसे कहते हैं. एट दैट एज हम लोगों को पता था, हमारे फादर ने हमारी ग्रूमिंग ऐसे करी है. तो जब 10 ईयर से लेकर के आप देखो कि तो आयुर्वेद का कितना ज्यादा वो होगा, और मैंने इतनी सारी ब्रांड्स यूज कर चुकी हूँ मैं. तो बाद में जब मुझे लगा कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा तब होगा जब वो एक्चुअली आउटसोर्स नहीं होगा. ऑर्गेनिक वेलनेस के आपके फार्म से अपनी फैक्ट्री में अपना जो होता है, और स्पेशली इसका जो कैप्सूल है वो वेजिटेबल Yes, तो ये सब चीजें हमारे लिए पचाना आसान है. हाँ जी. तो ये हमारे लिए और प्रॉब्लम नहीं करता बल्कि फैसिलिटेट करता है मुझे अभी और एक्स्ट्रा हेल्प के लिए ना. तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. ग्रेट मैम. होप जो व्यूअर्स हैं उनको आपका ये फीडबैक अच्छा लगेगा, शायद जैसे आपकी लाइफ में चेंज आया है उनकी लाइफ में भी चेंज आए. और तो जब आएगा जब हम लाना चाहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने ठीक बोला. जब तक हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यू अगेन कि आप अपना स्टोर्स ओपन कर रहे हैं. आप जो कम्युनिटी के लिए है शायद एक बहुत अच्छी जर्नी शुरू कर रहे हैं. इट्स माय प्लेजर. तो आपको फिर दोबारा जरूर मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. एक बात मैं कहना चाहूंगी. श्योर बताइए. जैसे मैंने कहा चेंज आप लाना चाहोगे तो आएगा. सूरज रोज आता है, सूरज सन इज देयर, वो रोज आता है, बट हम खिड़की खोलेंगे कर्टन्स खोलेंगे तभी वो अंदर आएगा. बहुत बढ़िया बात बोली मैम, बहुत बढ़िया बात बोली. तो हमें अपनी विंडो ओपन करने की जरूरत है. ओपन करनी चाहिए. ओपन योर माइंड, ओपन योर विंडो. और जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे मेरा ये है कि आप लिटरेचर पढ़ें, चीजों को देखें, आंख खोल करके चीजों पर विश्वास करें. एंड देन यू क्योंकि बिकॉज योर हेल्थ इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर थिंग. ग्रेट मैम, ग्रेट मैम. थैंक यू. ओके.